सबको अपनी दवाइयां शेयर करनी है, वेट लॉस ड्रिंक्स शेयर करने हैं, बट कोई ऐसे बेसिक टॉपिक्स पर बात भी नहीं करना चाहता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं न्यूट्रीग्राम इंडिया, जहां मैं डेली न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं और बेसिक मिस्टेक्स जो आप करते हैं न्यूट्रिशन रिलेटेड वो सब मैं समझाता रहता हूं। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है 3 इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर वेट लॉस। ये ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो कोई भी शेयर नहीं करता। सबको अपनी दवाइयां शेयर करनी है, वेट लॉस ड्रिंक्स शेयर करने हैं, बट कोई ऐसे बेसिक टॉपिक्स पर बात भी नहीं करना चाहता। सो मैं इसीलिए आपके लिए 3 बेसिक रूल्स लाया हूँ जो आपको अपने वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। आज के जो हमारे 3 रूल्स है उसमें पहले नंबर पे है कैलोरी काउंट। कैलोरी काउंट क्या होता है, क्यों करते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड पर है मील पोर्शन और मील टाइम। उसी के साथ तीसरे नंबर पे है आपका लाइफस्टाइल। तो गाइस बिना किसी क्लिकबैक के आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैलोरी काउंट, कैलोरी काउंट क्यों जरूरी है, लोग यही सुन के घबरा जाते हैं कि कैलोरीज होती क्या है और कैलोरीज को कैसे काउंट किया जाता है। ये बहुत सिंपल है गाइज, अगर वीडियो को बिना स्किप करे देखोगे तो जरूर समझ जाओगे। सपोज गाइज आप एक बनाना कंज्यूम करते हैं और गूगल पे या फिर किसी भी अदर ऐप पे आप उसका न्यूट्रिशन चेक करते हैं एक बनाना का, तो उसमें आपको सिंपली कैलोरीज दिख जाएगी। और हाँ गाइज, कैलोरीज बिल्कुल भी कोई अलग टर्म नहीं है, जो आप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स को कंज्यूम करते हो उन्हीं से ही आपको कैलोरीज मिलती है। तो कैलोरी काउंट का मतलब जितना पोर्शन साइज आप जो भी कंज्यूम करते हो उससे आपको जितनी कैलोरीज मिलती है उसको आपको काउंट करना है। अब हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हम पर्टिकुलर किसी भी फूड का कैलोरी काउंट करने नहीं बैठ सकते, तो हम जाते हैं हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास डाइट प्लान्स लेने। फिर हम उनके चार्जेस सुनते हैं और घबरा जाते हैं कि कितना महंगा है, फिर हम अपना वेट लॉस जर्नी स्किप कर देते हैं। तो अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो, सीरियस हो, तो मैं सिंपल सा ये टिप बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लेना। स्टार्टिंग डेज में आपको देखना है जो भी आप पूरे दिन में कंज्यूम कर रहे हो उसमें 300 से 400 कैलोरीज आपको कम कंज्यूम करनी है। सपोज आपकी डेली की रिक्वायरमेंट 2500 से लेके 3000 कैलोरीज की है, उसमें से आपको 300 से 400 कैलोरीज कम करके अपना पूरे दिन का खाना कंज्यूम करना है कि धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाओगे, आपके बॉडी को हैबिट हो जाएगी कम कैलोरीज को कंज्यूम करने की, जिससे आपके वेट लॉस में हेल्प मिलेगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे रूल की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोरी पोर्शन और कैलोरी टाइमिंग। कैलोरी पोर्शन से मतलब है जो भी आप अपने प्लेट में ऐड कर रहे हो खाना, उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ फाइबर्स भी आपको कंज्यूम करना है जो कि आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। और उसी के साथ मील टाइमिंग भी एक बड़ा फैक्टर है। सपोज आपकी बॉडी को नीड है फ्यूल की और आप सही टाइम पर उसमें फ्यूल ऐड नहीं कर रहे हो तो आपकी बॉडी नेगेटिव में चली जाएगी। तो हर एक मील का एक टाइम बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं ब्रेकफास्ट इज किंग, लंच इज क्वीन एंड डिनर इज बेगर, तो ऐसे ही हमें अपने मील को स्केड्यूल वाइज डिवाइड करना है। अब हमारे थर्ड रूल की ओर जाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, बिकॉज इन फ्यूचर जो भी मैं न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोस डालता रहूंगा वो सबसे पहले आप तक जाएगी। तो चलते हैं हमारे तीसरे रूल की तरफ जो कि है लाइफस्टाइल। दोस्तों चाहे आप वेट लॉस जर्नी पर हो या फिर वेट गेन जर्नी पर, जब तक आपका लाइफस्टाइल सही नहीं होगा आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको किसी भी जर्नी को स्टार्ट करना है सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में एक एक्टिविटी ऐड करनी होगी और एक अच्छी क्वालिटी स्लीप लेनी होगी। कोई भी एक्टिविटी ऐड करने से मेरा मतलब है जिम जाओ, वर्कआउट करो, रनिंग करो, वॉक करो या फिर योगा करो। तो अपनी डेली लाइफ में इन सब में से आप कुछ भी एक चीज ऐड कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी को ये मैसेज जाएगा कि हाँ अब बंदा एफर्ट्स डाल रहा है, बंदा चेंज होने की कोशिश कर रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है। तो आपको खुद ब खुद चेंजेस दिखने लगेंगे, इसीलिए एक अच्छी लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 रूल वेट लॉस के अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करना जो वेट लॉस करना चाहते हैं और बहुत परेशान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। Hope this helps. Good luck.